नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में वाइल्ड लाइफ लवर संजू। दोस्तों कौन सा लगा था? वाइजर राइज का आपसे कॉल था कि कोई साथ निकला है। पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मुकेश श्रीराम कोकनी। मुकेश श्रीराम कोकनी, इनके घर के पीछे कोई साँप है ऐसा इनका कॉल था दोस्तों। यहाँ पे आए हम गाँव में, तो चलिए जाकर देखते हैं कि साँप कौन सा है, उसे रेस्क्यू करते हैं। बाहर संग लग गया, बाहर ला जाए तुम गाँव का ही तो कहीं मजा के जरा एक घंटे पे हम आ चुके हैं दोस्तों। ये इन्होंने बाथरूम का एक बनाया हुआ है, इसके अंदर में कोबरा सांप है, तो चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। बैटरी चलिए दोस्तों, कोबरा सांप है जो कि हमारे भारत में चार जो विशेष सांप है उनमें से एक है, और ये ज्यादातर हमारी इस हिस्से में ज्यादा मिलते हैं दोस्तों। काफी अच्छी साइज है, एक जहरीला सांप है दोस्तों। चलिए ज्यादा समय ना दोस्तों, बाहर दरवाजा खोला। हेलो दरवाजा खोला या वाय दरवाजा आवाज वाय दरा में ला थोड़ा बाजू सर ना यो संजू बाहुली लाओ नोल। हाँ भी मना ली नहीं होना यार। हाँ तबार नहीं टूका लगा दस्ते ना झुकने सब ठीक
हेलो हाँ ये रन होता सर भाव तक सारा जाता बड़ा कंबल मुड़ी जाने कोबरा सांप है दोस्तों, काफी जहरीला सांप है ये। इसके काटने के बाद 35 से 40 मिनट के अंदर आदमी की मौत हो जाती है दोस्तों, अगर इसे सही से इलाज ना मिले, हॉस्पिटल अगर ना पहुंचे तो। इसके लिए आप लोगों से इसकी विनती करूंगा दोस्तों, इस तरीके का सांप अगर आप किसी को काटता है तो किसी बाबा या हकीम के चक्कर में ना पड़े, उसे जल्द से जल्द जो कि अपने अस्पताल है वहीं पर लेके जाए दोस्तों, क्योंकि वहीं पर जाने के बाद किसी भी इंसान के प्राण बच सकते हैं, ना कि किसी बाबा या हकीम के चक्कर में पड़ के उनकी जान धोखे में डाले दोस्तों। घर वह दाखिल डोकी लिखन पण काढता पाका डांगा दिख हांग देख ले तू भी होगा इसका काम जाती फोटो का बदे रे सर पकड़ लो दोस्तों। यहाँ से हमने जो कोई सांप निकला है तो यहाँ पे हमने आके कोबरा सांप को रेस्क्यू किया है दोस्तों। साथ ही मैं सांप के बारे में आप सभी को जानकारी दे दूँ थोड़ी सी कि ये भारत अपने महाराष्ट्र में मिलने वाले जो चार सांप है प्रमुख विषारी, उनमें से एक है भारतीय कोबरा जिसे हम नाक कहते हैं। सांप अगर आपके आस पास में मिलता है तो इसके पास में आ जाए दोस्तों, और अगर किसी को काटता है तो बाबा या महाराज के पास ना ले जाओ।
बल्कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अस्पताल में लेकर जाएगा, उसको जान बचानी होगी कि सांप के काटने के बाद उसके लिए जो दवाई दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अस्पताल में मिलेगी, ना कि किसी बाबा या हकीम के पास मिलेगी। इसलिए ऐसा कदापि ना करे कि किसी को सांप ने अगर काट लिया तो किसी बाबा के पास लेके जाए। दोस्तों इतना ही कहूँगा, और साथ ही आपने इस सांप को बचाने के लिए हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया, इसके लिए शुक्रिया दोस्त। इसी प्रकार हमें मदद करते रहो, यही आपसे उम्मीद रखेंगे। थैंक यू।